हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शैलेट आटा मोमोज़ की रेसिपी। हम सभी लोगों ने बहुत तरीके के मोमोज़ खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज हम इस मोमो को एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग के साथ आज हम इसे बना रहे हैं, जो कि हमारा मोमो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जूसी हमारा बन करके मोमो ये तैयार होगा। तो फिर आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने एक बर्तन लिया, उसी बर्तन में मैंने एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ मैंने इसमें गाजर डाल दिया, और उसी कटोरी से एक कटोरी मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ मैंने इसमें मूली डाल दिया। मूली का पानी मैंने एकदम अच्छे से निकाल दिया था, एकदम सूखा मूली मैंने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद इसी में ऐड कर आधी कटोरी कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और 3 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, और उसके बाद इसी में ऐड कर 2 छोटे चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन, और फिर मैंने इसमें डाल दिया आधी कटोरी जितना इसमें मैंने डाला है स्प्रिंग अनियन, जिसको इसको भी मैंने एकदम बारीक बारीक मैंने इसे कट कर लिया था। और इसी में ऐड कर रहे हैं हम इसमें आधी कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल करके अब इसे अच्छे से एकदम हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएँ सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद आप इसी में ऐड करें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें मैगी मसाला। आप चाहे तो आप इस मैगी मसाला को स्किप भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप थोड़ा सा किसी और भी मसाले का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी में ऐड करें 2 छोटे चम्मच इसमें ऑयल डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम एकदम इसमें लास्ट में डालेंगे, जब हम पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे अच्छे से उसके बाद हम तुरंत इसमें नमक डालेंगे और तुरंत तुरंत हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसमें नमक पहले ही डाल करके रख छोड़ देंगे इसको हम, तो फिर तुरंत पानी छोड़ना ये स्टार्ट कर देगा, तो हमारा मोमो बहुत ज़्यादा ये हमारा मोमो एकदम गीला गीला बनेगा। तो हम एकदम इसको लास्ट में डाल लें और डाल करके एकदम इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने एक बर्तन में रख दिया था पानी को गर्म होने के लिए। उसके बाद फिर जैसे हम नॉर्मल आटा सानते वैसे मैंने पहले आटा सान के रख लिया था। अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं तो एकदम पतला सा हम इसको पूड़ी जैसा हम इसको बेल लेंगे और किसी ग्लास या फिर किसी कटोरी से हम इसका एक गोल शेप में हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे गोल में मैंने इसको कट कर लिया था, और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें इसकी फिलिंग डाल दी मैंने सैलेड मोमो की फिलिंग को डाल करके। अब हम इसे ऐसे एक फिंगर से इसको ऐसे हम दबाएंगे और ऐसे हम इसको प्रेस करके इसको अच्छे से हम इसको दबा देंगे। फिर ऐसी इसी तरीके से हम इसको इधर से दबा रहे हैं और ऐसे ही करके हम इसको इधर से भी हम इसको ऐसे प्रेस करके अच्छे से इसको दबा देंगे, और जो बाकी का बचा हुआ रहेगा हम उसको पूरा एक साथ हम इसको लेकर के ऐसे दबा लेंगे। तो ये हमारा एक नया डिज़ाइन का हमारा ये मोमो बन करके तैयार हो गया है। और अगर आपको इस मोमो का डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आपको जिस भी डिज़ाइन का आपको मोमो पसंद हो और आप बहुत ही आसानी से आप उसे बना सकते हैं, तो फिर आप उसे आप इस मोमो को उसी डिज़ाइन में बना करके खा सकते हैं। लेकिन ये भी डिज़ाइन इसको भी बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें इसे 3 तरफ से हमें इसे पैक करना है। तो ये हमारा झटपट ये हमारा मोमो भी हमारा बन जाएगा। तो फिर हम पहले सभी मोमोज़ को ऐसी तरीके से बना करके हम पहले रख लेंगे। उसके बाद फिर मैंने एक छन्नी लिया, उसी छन्नी पे मैंने इसमें तेल लगा दिया और उसको चारों तरफ मैंने इसे अच्छे से फैला दिया। तो हम चारों तरफ से इसे अच्छे से तेल लगा लेंगे। उसके बाद फिर हमने जो भी मोमो बना करके रखा है उसको हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको ऐसे रख लेंगे। तो हम सभी मोमोज़ को पहले एक साथ हम इस छन्नी पर रख लेंगे, और उसके बाद फिर मैंने ये देखिए हमारा पानी एकदम अच्छे से बॉयल होने लगा है, तो हम उस छन्नी को हम उसी के ऊपर रख देंगे और एक प्लेट से हम उसको ढक देंगे। और बस ध्यान ये रखिएगा कि हमारा स्टीम कहीं से भी बिल्कुल निकले ना। उसके बाद अपने गैस के फ्लेम को हम हाई टू मीडियम कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट बाद हमारा मोमो एकदम अच्छे से पूरा स्टीम हो चुका है। तो ये देखिए एकदम अच्छे से प्रॉपर एकदम पक भी गया है। तो ये हमारा गर्मा गर्म हमारा ये सैलेड आटा मोमो बन करके तैयार हो गया है। इसको बनाने में जितना आसान है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये जूसी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। और ये सैलेड आटा मोमो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। और आपको कभी भी मोमोज़ खाने का मन करे और आप इसे हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इस मोमो को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आने वाली मोमो है, और आप चाहे तो आप इसे बच्चों को भी बहुत ही आसानी से बना करके खिला सकते हैं। तो फिर आप भी मेरी इस हेल्दी मोमो की रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।